कि जब कुत्ते को कोई ट्रक के नीचे आ जाता है तो मरते समय ऐसी आवाज निकालते, सुनिएगा ध्यान से। हवाओं ने ये कहा, अरे चीता सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ क्या? चीता मिथुन दा भी ला सकते हैं भाइयों बहनों। इन भाई साहब को एक गलत फहमी हो गई है। नमस्कार भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन। अरे भैया, आज हमारे खोपड़ी में टेंशन हो रही है, हमें थोड़ा नवरत्न ठंडा ठंडा कोल कोल तेल देना भाई साहब, ताकि हमारे खोपड़ी की टेंशन मिट सके। हाँ, अरे आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही अपन निकालते हैं अंकल जी? जी हम भी निकाल लेते हैं। अरे निकाल के दिखाइए भाई साहब। आप हीरो की निकालते हैं तो हम ट्रेन की निकालते हैं। अरे ट्रेन कौन से, आवाज निकाल कर दिखाइए। सुनिएगा, जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है तो जो है वो गैस रिलीज करती है। सुनिएगा आवाज। अरे भाई साहब, इस बच्चे के आगे तो मैं थोड़ा फीका दिखाई दे रहा हूँ। जब ट्रेन पुल से गुजरती है तब कैसे करती है? सुनिएगा ध्यान से। ध्यान से ही सुनेंगे। अरे भाई साहब, ये लड़का तो एकदम हमें टैलेंटेड लगता है। और क्यों, आपके पास टैलेंट है तो उसकी आवाज सुनाइए भाई साहब। आप क्या देवानंद की आवाज सुनना चाहेंगे? देवानंद की आवाज सुनाइए भाई साहब। कि जिनके दिल में नफरत भरी है उनके दिल में खुशी भर दो, कि जिनके दिल में नफरत भरी है उनके दिल में खुशी भर दो। मैं वो फरिश्ता हूँ जो पत्थर को पिघला के भी मोम कर दूँ, जो पत्थर को पिघला के भी मोम कर दूँ। अरे भाई, आपके आवाज को सुनकर मिथुन चक्रवर्ती हैरान हो चुका है और चंडाल की मूवी की शूटिंग छोड़कर आया हूँ। अरे लॉकडाउन के चक्कर में जिंदगी झंड था, हमें क्या पता था भाई साहब लॉकडाउन में इतने खतरनाक नमूने आ जाएंगे। और कोई आवाज सुना सकते तो सुनाओ ना भाई। मोदी की सुनेंगे क्या? अरे भाई, मोदी जी की आवाज सुनाइए। सुनिएगा। नमस्कार मित्रों, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी वंदनीय शिक्षक गण व मेरे स्कूल में पढ़ने वाले सभी छोटे व बड़े विद्यार्थियों का मैं इस टाली पर स्वागत करता हूँ। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया। भाइयों बहनों, नायरा ने कार्तिक के लिए खोए के लड्डू बनाए थे भाइयों बहनों, और कार्तिक वो लड्डू बिना खाए सो गए। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी आगे क्या करे? नमस्ते, क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई चिंता का विषय नहीं है। यदि आप नरेंद्र मोदी जी की आवाज निकाल रहे हैं फिर आप इस ढाबली पर क्या कर रहे हैं? आपको तो देश संभालना चाहिए। यदि आप और आवाजें निकाल सकते हैं तो और आवाज भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम राजेश खन्ना की भी आवाज निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, तू मेरी जिंदगी से दूर चला जा रहे, बहुत दूर। और ये जो तेरी भाभी है ना, ये 4 दिन से घर में दाल चावल नहीं बना रही। भैया मैं भाभी नहीं भाई साहब हूँ, ये देखकर बताइए भाभी नहीं हूँ भाई साहब। अब मुझे लगता है कि कोई और एक्टर की आवाज सुनाइए तो ये महफिल जम जाएगी। कुत्ता का, हाँ कोई जानवर कुत्ता अगर आ जाए, कुत्ते वैसे आते बहुत हैं भाई साहब, कुत्तों का ही मौसम चल रहा है बरसात का, तो कुत्ते की आवाज सुना दोगे तो मजा आ जाएगा। देखिए कुत्ते की आवाज कैसी है ना, हाँ। कि जब कुत्ते को कोई ट्रक के नीचे आ जाता है तो मरते समय ऐसी आवाज निकालते, सुनिएगा ध्यान से। अरे बाबा, ये छोटा वाला बेटा
मेरे को बहुत खतरनाक लगा। एक मेरा छोटा वाला बेटा राजू, उससे भी ज्यादा ये टैलेंटेड है। एक बात मेरे को बता, तेरा नाम राजू, मेरे को तेरे दुकान से खरीदना था 1 किलो काजू। क्या तू काजू देगा रे देवा? काजू देगा? अरे भाई, तेरे को मेरा दुकान पे काजू तो क्या मिथुन, पालने के लिए चीता भी मिलेगा। अच्छा, क्या बात, चीता तो लेकिन मोदी जी लेकर आए हैं। अरे चीता सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ क्या? चीता मिथुन दा भी ला सकते हैं भाइयों बहनों। इन भाई साहब को एक गलत फहमी हो गई है, और इनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को चिड़िया के बच्चे की आवाज सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए मित्रों। वाह वाह, चिड़िया के बच्चों की आवाज निकाल दी। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ मैं लालू प्रसाद यादव की आवाज निकाल दूं। वैसे तो लालू प्रसाद यादव जी बहुत इस समय बीमार चल रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी किसी तरीके से आपके पास लेकर आता हूँ मैं। ए पगड़ा डट, बात करता है ये लालू प्रसाद यादव को गोल गोल घुमा रहे हो। कभी चिड़िया का आवाज, कभी कौवा का आवाज, कभी ट्रेन का आवाज, ये तोरे गटई में का फिट किया है? हमरा इसके माई से एक सवाल पूछना है, इस बच्चे को का खा के पैदा किया है? इतना टैलेंटेड है, उस माँ को सलाम करता हूँ। भारत माता की जय हो। और कुछ आपके पास टैलेंट है तो सुनाइए। अरे साहब जी, आप इतना सुन के दंग रह गए। हाँ, और सुनाइए। हमारे पास और नमूना है, सुनिएगा। अगली बार सनी देओल की बारी है। हाँ, 2.5 किलो वाले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ध्यान से सुनिएगा सारे। ये मजदूर का हाथ लगाते हो, लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत कौन पसीने से कमाई हुई रोटी की है? मुझे किसी के टुकड़ों में पलने की जरूरत नहीं। और एक बात और, बापूजी मैं काजल से प्यार करता हूँ। ये देखे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जा रहा है। कैमरे वाले, कैमरा इधर घुमा, मैं बताता हूँ बुलडोजर ये कहाँ जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति दंगा करके अपने घर आकर बैठा हुआ है, तो ये बुलडोजर जा रहा है उसी दंगाई के घर पे चलने वाला है। और एक बात मेरे को ये बता, तू तो कहता है तेरा 2.5 किलो का हाथ है, मुझे नहीं लगता कम से कम 15 किलो का तेरा हाथ होगा। हाँ, और ये देखो गुटखा काहे को बेच रहे हो? गुटके से फेफड़ा खराब होता है, समझ रहे ना क्या कहना चाहता हूँ? कलम अली भाई के लिए एक बार गुटखा लेकर गया था, उसका दांत और दिमाग दोनों सड़ गया। अपने दिमाग के ढक्कन को खोलकर इस्तेमाल कर, इतना टैलेंट तेरे पास है, तुझे मैं मुंबई लेकर चलूंगा। किसी भी हीरो के घर तुझे भेजूंगा, लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। और तेरे अंदर कौन सा अमल मैं सुना के दिखा? इस छोटी सी उम्र में इतने टैलेंटेड हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आओ आओ तुन्ना तुन्ना, तुम इतनी सी आवाज सुन के दंग रह गए। शक्ति कपूर, अगर तुमको कमला पसंद से इतना एलर्जी है तो तुम कमला पसंद खाना छोड़ दो। आओ ढाके चके ढा। शाहरुख खान की भी आवाज निकाल लोगे क्या? देखते हैं। निकालो शाहरुख खान की आवाज। किरण, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो लोगों का चाहत पर से विश्वास उठ जाएगा। भाग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो किरण। किरण, हवाओं ने ये कहा, रुत बड़ी सुहानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी। अब जाओ तालियां, मजा आ गया। और उस सनी देओल की आवाज निकल ली थी। हाँ। सनी देओल का थोड़ा ले दूं। हाँ। यारा ओ यारा, मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। ओरे ओरे ओरे, यारा ओ यारा, मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा। तुमसे बिछड़ के एक पल भी जी के ये दिल ना रह पाएगा। यारा ओ यारा, ये
ये बताओ इतने देर से इतना सब कुछ दिखा रहे हो लोगों, ये बता दो ये वीडियो कहाँ आएगी? भाई दोस्तों देखिए, ये वीडियो आएगी सिराज आंसू बच्चन चैनल है, इसका नाम सिराज है और मेरा नाम आंसू बच्चन है। और जेलर साहब, मैं अमिताभ बच्चन भाई साहब, और कैमरे वाले भाई साहब, एक बार दिखाना कि हम लोगों को देखने के लिए कितनी पब्लिक खड़ी है। पब्लिक कुछ करो, एक बार तालियां बजा दो सारे सब आ जाएंगे। ये हमारी पब्लिक थोड़ी इसलिए खामोश दिख रही है ना, भी रात वाला खाना नहीं खाए हैं। रात में कभी खाना खा के मिलो फिर ये ताली हाथ तोड़ तो देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जो भाई है रेशु इनका नाम इशु इनका नाम है, और बहुत अच्छा टैलेंट है इस इंसान के अंदर, क्योंकि हम मिलने के लिए आए हैं, दुकान पे काम करते हैं, ये कमला पसंद किस तरह क्या बेचते हैं, लेकिन टैलेंट को देखकर सल्यूट करता है आंसू बच्चन। और आप लोगों को भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है सिराज आंसू बच्चन, बोलोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। और ऐसी ऐसी वीडियो पता नहीं कितनी हजारों वीडियो पड़ी, फुल मजा लीजिए। और हमारी वीडियो का फैमिली के साथ आप लोग देख सकते हैं, कोई गलत सीन नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो आओ चलो मिलते हैं, और भाई का टैलेंट और भाई सिराज का टैलेंट और जैसे टुट्टा फटका मेरा टैलेंट है कैसा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम लोगों को आगे वीडियो बनाने का मौका मिले। जय हिंद। और भाई और बहनों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने आशीर्वाद से मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए भाई और बहनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाएंगे, सभी पब्लिक भीड़ खड़ी है, कम से हजारों के तादाद में लोग खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि जहां हम खड़े हो जाते हैं तो परमात्मा का ऐसा कर्म होता है, पब्लिक अपने आप ही आ जाती है। जिस टाइम पर हम यहां पर आए थे एक कुत्ता पड़ा था, बस एक कुत्ता, और वो कुत्ता बेचारा चला गया और भीड़ आ गई। तो यही आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, और मिलते हैं अगली आखिरी वीडियो में।